मेरे प्यारे दोस्तों, मूली को हम इस तरह से गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। साथ ही इस तरह से मूली का अगर हम घर पर उगाते हैं तो वो ऑर्गेनिक भी होती है और हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इस तरह से गमले में भी ग्रो कर सकते हैं और लगभग 30 से 40 दिन के बाद आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हमारी हार्वेस्टिंग कितनी हुई है, तो इस वीडियो पर बने रहे बिना स्किप किए हुए। तो फाइनली दोस्तों, ये मूली हमारी जो है वो हार्वेस्ट करने के काबिल अब हो चुकी है। लगभग 38 दिन के बाद ये जो है मूली अब जो है बन चुकी होगी। इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ही गमले में इतने सारे हमारे जो मूली है वो बैठ चुकी है। चलिए हम इसे सामने से देखते हैं कि कितने सारे इसकी मूली जो है वो बनी हुई है। यहाँ से हम खारेंगे, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी दोस्तों है, साइज भी प्रॉपर है। और यहाँ से हम ये देख सकते हैं ज़बरदस्त इसकी साइज़ जो दोस्तों, और हार्वेस्ट करने की जो समय है वही है। ज़्यादा मोटाई अगर इसकी हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं बहुत ही लंबे लंबे दोस्तों। अगर मोटी होगी तो खाने में स्वादिष्ट हमें नहीं लगेगी। ये देख सकते हैं गमले में इतनी बड़ी साइज होना बहुत ही मायने रखती है। तो गहराई मैक्सिमम 15 इंच या फिर 18 इंच की होनी ही चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, देख रहे ना, जबरदस्त है ये, आप देख सकते हैं प्रॉपर साइज है ये। हमें कि साइज आप यूँ देख सकते हैं, इतनी लंबी लंबी हमारी मूली जो है वो बनी हुई है। थोड़ी सी और दूर चली जाइए, हमें पूजा ये देख सकते हैं काफ़ी है दोस्तों। खुद आप देख सकते हैं कि मुझे पकड़ना मुश्किल हो रही है, सिर्फ एक ही गमले में हमारी कितनी जो है मूली बन चुकी है। एक यहाँ ये थोड़ी टूट चुकी है, थोड़ी और लंबी होती। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी डे बाय डे हर दिन आपको वीडियो मिलेगी पूरी अपडेट के साथ। हमारी वीडियो जो भी होती है पूरी कंप्लीट होती है, मतलब बीज लगाने से लेकर पौधे की केयर, पौधे की देखभाल, किस तरह की सॉइल, किस तरह के खादें हमें यूज करनी है और हार्वेस्टिंग तक के एक ही वीडियो में पूरी आपको कंप्लीट जो है जानकारी मिलेगी। तो चैनल को अभी से आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को आप ऑल ऑप्शन पर सेट कर ले दोस्तों। जब भी कोई भी मैं अपलोड करूँ, कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ, तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, देन चैनल पे अगर आप नए होंगे दोस्तों तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। ये आप देख सकते हैं, ये कोई फेक वीडियो नहीं है दोस्तों, खुद ही देख सकते हैं इतनी सारी मूली। ये आप देख सकते हैं और यहाँ भी एक और भी निकल आ रही है, ये आप देख सकते हैं। खुद मुझे रोकना इतना मुश्किल हो रही है कि इतनी वेट इसकी बढ़ चुकी है, एक जबरदस्त साइज। ये आप देख सकते हैं इस तरह से मूली जो है आप अपने घर पर बिल्कुल ऑर्गेनिक बेस पर उगा सकते हैं। गोबर की खाद की जो लिक्विड होती है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत ही ईजी से आप अपने टेरेस के ऊपर बहुत सारे सब्जियाँ जो है ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ और भी निकल रही है, अगर इसे हम छोड़ देते 2 से 3 दिन और तो ये भी साइज थोड़ी बढ़ जाती, बट अभी मुझे इसमें कुछ और भी नई वेजिटेबल ग्रो करना है। तो जगह मुझे काफ़ी कमी होती है अक्सर, आप जानते ही हैं। तो इस तरह से
बहुत सारी हमें मिल गई है। मूली के साथ साथ मूली की भाजी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा हमारी हार्वेस्टिंग आज की। चलिए इसी जगह में मैं फिर से इसकी एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ। इसकी जगह पे रेड मूली को मैं बहुत जल्दी ग्रो करने वाला हूँ। और तो इतनी सारी हमारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही खुशी आपको मिलेगी यकीनन जब आप इस तरह से घर पर खुद से ऑर्गेनिक सब्जी आप अपने छत पर या फिर छोटे छोटे जगह में ग्रो करेंगे तो यकीनन आपको भी खुशी मिलेगी। साथ में ये हमारे सेहत के लिए आप समझते हैं कि बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक बेस पे जो भी सब्ज़ियाँ हम ग्रो करते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट्स होती है। बाज़ार की तुलना में ये काफ़ी स्वादिष्ट भी होगी। तो ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, इसकी साइज़ भी आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लंबी इसकी साइज़ जो है वो निकल आई है। तो चलिए हम थोड़ी सी वास इसे हम कर लेंगे। और दोस्तों इस तरह से हार्वेस्टिंग लेने के बाद हम इस गमले में फिर से किसी भी तरह का वेजिटेबल हम ग्रो कर सकते हैं। बस इस मिट्टी को आप थोड़ी सी धूप में ड्राई कर ले, अच्छे से सुखा ले, जिससे आपकी मिट्टी की हेल्थ अच्छी हो जाएगी और फिर से आप वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं।